मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, अवर चैप्टर 13 इज वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मैंने पहले भी बोला था, इस चैप्टर में हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलग अलग मेथड सीखने हैं। तो हमने एक मेथड सीखी थी जो टेबल बना के उसका एक्सपेंशन करके फिर टेबल बना के उनका कैलकुलेशन यानी मल्टीप्लिकेशन करना और आफ्टर दैट उनकी एडिशन करना। और एक मेथड जो हम हमेशा करते हैं वो जो बेला की मेथड थी वो हमने सीखी। ओके, मैंने आप लोगों को नोटबुक पर होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने सबने ये कंप्लीट किया होगा। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ईयर्स एंड ईयर्स। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सोहन ड्रिंक्स 8 glass ऑफ वाटर एवरी डे। सोहन दिन में 8 glass पानी पीता है। हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 month? अगर एक दिन में वो 8 glass पानी पीता है तो 1 month में कितना पिएगा? अगर हम एज्यूम करेंगे कि 1 month में 30 days रहते हैं तो 30 × 8 दैट इज 240 glasses। ओके, 8 × 24 और 0 एज इट इज। ओके, और उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 year। अब 1 year में वो कितने पीता होगा? अगर वो एक महीने में कितने पी रहा है, 240 पी रहा है, तो 1 year में कितने पिएगा? सो फॉर 1 year इज इक्वल टू 365 days। ओके, तो एक दिन में वो कितने पीता है? 8 पीता है, तो 365 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 2920 glasses। 8 × 5 = 40, 4 कैरी। 8 × 6 = 48 प्लस 2 × 4 = 52, 5 कैरी। 8 × 3 = 24 प्लस 5 = 29, मतलब 2920 glasses वो 1 year में पीता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि If 125 people living in a colony drink 8 glass of water in a day, एक कॉलोनी है वहाँ पे 125 लोग रहते हैं, वो भी दिन में 8 glass पानी पीते हैं, तो वो पूरे ईयर में कितना पानी पियेंगे? ओके, सो देखो 1 year इज इक्वल टू 365 days, वो हमें पता है। 365 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 125। अब ये कैसे आया? क्योंकि 365, ओके, वो कितने पीपल है? 125 पीपल है, और वो एक दिन में कितना पानी पी रहे? 8 glass पानी पी रहे। ओके, तो इसलिए हमें इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। हमने 365 मल्टीप्लाई बाय 8 ऑलरेडी किया है, दैट इज़ द 2920 मल्टीप्लाई बाय 125। ये देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, 5 × 0 = 0, 5 × 2 = 10, 1 कैरी, 9 × 5 = 45 प्लस 1 = 46, 4 कैरी, 5 × 2 = 10, 10 + 4 = 14। नाउ 0 एज इट इज, 2 × 0 = 0, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, 2920 मल्टीप्लाई बाय 5, 2920 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड 2920 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इस तरह से मैंने ये कैलकुलेशन करे के हमें ये आंसर मिला है, दैट इज वो कितना पियेंगे एक साल में, 365,000 glasses वो पानी पिएंगे। ओके, अब अपने टेक्स्ट बुक में सेकेंड क्वेश्चन दिया है, इफ सुहाज हार्ट बीट 72 times इन 1 minute, हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट इन 1 hour? अगर एक मिनट में कितने हैं वो 72 टाइम्स उसका हार्ट बीट का रेटिंग है, तो 1 hour में कितना होगा? 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes। सो फॉर 1 hour 60 मल्टीप्लाई बाय 72। सो आंसर इज, देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, 72 को यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 72 को 60 से मल्टीप्लाई किया, यानी 60 का मैंने एक्सपेंशन कर दिया, हमें आंसर मिला 4320। ओके, अब यहाँ पे पूछा है, नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इट बीट्स इन 1 day। अभी हमने 1 hour के लिए निकाला कि 1 घंटे में कितने रहते हैं, अभी बोला है कि 1 day में कितना रहेंगे। अब आपको पता है 1 day में आते हैं 24 hours। ओके, सो 4320 मल्टीप्लाई बाय 24। अब ये कहाँ से आया? क्योंकि हमने एक दिन को ऑलरेडी निकाल लिया है कि एक दिन में 4320 उसका हार्ट बीट की रेटिंग है, तो 24 hours के लिए कितना, तो हमने वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया। ये देखो यहाँ पे भी मैंने सेम किया है मल्टीप्लिकेशन, 4320 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड हियर 4320 मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, इस तरह से हमें करना है, 4 × 0 = 0, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 1 कैरी, 4 × 4 = 16 प्लस 1 = 17। ओके,
जीरो, टू जीरो जा जीरो, टू टू जा फोर, थ्री टू जा सिक्स, फोर टू जा एट, जीरो 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 प्लस जीरो जीरो, एट प्लस जीरो एट, टू प्लस फोर सिक्स, सेवन प्लस सिक्स थर्टीन, वन कैरी, एट प्लस वन नाइन, प्लस वन टेन। ओके, तो वन डे के लिए उसकी हार्ट बीट की रेटिंग है इतनी। अब यहाँ पे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, काउंट योर ओन हार्ट बीट्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स योर हार्ट बीट्स इन वन वीक। अभी देखो ये सबकी हार्ट बीट्स की काउंटिंग है अलग अलग होगी। आप ये अपने घर पे आपको करना है कि आप चेस्ट पे हाथ रख के काउंट कर सकते हो, या अपने एक हाथ पे दूसरा हाथ रख के भी आप हार्ट बीट काउंट कर सकते हो। ये सबकी अलग अलग हो सकती है, किसी की 72 हो रही थी, किसी की 70 रहेगी, किसी की 71, किसी की 69 हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि माई हार्ट बीट रेटिंग इज 70 टाइम्स इन अ वन मिनट। ओके, एक मिनट में 70 टाइम्स है, तो वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज 4200। ओके, एक घंटे का इतना हार्ट बीट का है। तो वन वीक में आते हैं 7 डेज, वन डे में आता है 24 आवर्स, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 24 दैट इज 168 आवर्स। ओके, सो 168 मल्टीप्लाई बाय 4200। अब आप कंफ्यूज मत होना, देखो हमें वन वीक के लिए बोला है, एक वीक में कितने दिन आते हैं, 7 डेज आते हैं। ओके, अभी 7 डेज के लिए वन डे में कितने आते हैं, 24 आवर्स आते हैं, तो 7 डेज में कितने आवर्स आएंगे, 168, 24 मल्टीप्लाई बाय 7। ये तो आए आप लोगों को समझने। अभी हमको बोला है कि वन वीक का हिसाब निकालेंगे, अभी तो सिर्फ हमने हवर्स का निकाला, अभी हार्ट बीट्स हमें काउंट करने हैं, तो 70 है, तो 168 मल्टीप्लाई बाय 4200 अभी कहाँ से आया, क्योंकि वन हवर में रेटिंग कितनी है हमारी 4200, और ये हवर्स ही है 168 हवर्स, तो 168 को 4200 से हमने मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट दिस आंसर। ये सबका अलग अलग हो सकता है, ये मैंने हार्ट बीट्स मेरे काउंटिंग करके बोले हैं, आप सबका अलग हो सकता है, ये आपका सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स अराउंड 12 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। एक बेबी एलिफेंट है, वो पर एक दिन में 12 लीटर मिल्क पीता है, तो वो 2 ईयर्स में कितना पिएगा। ओके, एक दिन में वो कितना पी रहा है, 12 लीटर। ओके, एक दिन में अगर वो 12 लीटर पी रहा है तो 2 ईयर्स में कितना, अभी 12 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर में डेज कितने रहते हैं, 365। ओके, पर हमें 2 ईयर्स का बोला इसलिए हमने 2 से उसे मल्टीप्लाई किया। ओके, तो पहले हम 365 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, सो आंसर इज 730। आफ्टर दैट 12 मल्टीप्लाई बाय 730 वी गेट दिस आंसर 8760। तो मतलब वो 2 साल में 8760 लीटर वो मिल्क पीता है वो बेबी एलिफेंट। समझ में आया क्या किया हमने पहले, कि वो 12 लीटर तो पीता है, हमें 2 साल के लिए पूछा है, तो 365 एक ईयर में आते हैं, तो 2 साल के लिए 365 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर यहाँ पे 3 पूछा तो हम 3 लिखते कि 3 ईयर के लिए हिसाब से निकालेंगे। ओके, नाउ अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक्स अराउंड 200 लीटर ऑफ मिल्क इन वन डे। अब एक बेबी ब्लू व्हेल है, वो पर डे 200 लीटर मिल्क पीती है। ओके, जस्ट इमेजिन हाउ मच मिल्क दैट इज, आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा वो मिल्क है। फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज योर मिल्क फैमिली वुड यूज 200 लीटर मिल्क। अब हाफ ये सबका अलग अलग हो सकता है, कोई अपने घर में आधा लीटर लाता होगा, कोई 1 लीटर लाता होगा, कोई 2 लीटर आता होगा। अगर मेरे घर में अगर 1 लीटर पर डे आता है तो 200 लीटर मिल्क के लिए मुझे भी 200 डेज लगेंगे, है कि नहीं, क्योंकि एक दिन में 1 ही लीटर, तो 200 लीटर के लिए 200 डेज। अगर आप बोलोगे कि मेरे घर में तो 2 लीटर आता है, तो आपके 200 लीटर के लिए 100 डेज लगेंगे, है कि नहीं। तो हमें पूछा है हाउ मच मिल्क वुड दैट द बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक इन 8 मंथ। अभी वो 8 मंथ में कितना पिएगा वो हमें पूछा है। अभी वो पर डे पीता है 200 लीटर, अगर हम एज्यूम करेंगे कि 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। ओके, तो 8 मंथ के कितने डेज हुए, 30 × 8 दैट इज 240 डेज हो गए। ओके, तो अभी 1 डे में 200 लीटर, तो 240 डेज में कितने, सो 240 मल्टीप्लाई बाय 200 दैट इज 24 टू 48, और ये जीरो तीनों एज इट इज।
मतलब वो 8 महीनों में 48,000 लीटर दूध पीता है। मतलब आप सोच सकते हो कि वो इतना दूध पीता है तो वो उतना पानी भी पीता होगा, उसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। ओके, आया आप लोगों को समझ में? आपको ये सारे एग्जाम्पल्स ए बी सी डी आपको आपके नोटबुक में सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।